गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू। ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 79। पेज नंबर 79। टुडे वी विल कंटिन्यू विद एक्सरसाइज बी। बच्चों अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करिए, पेज नंबर 79। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज बी। आज हम एक्सरसाइज बी करेंगे। टेक द राइट आंसर, टेक द राइट आंसर। सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट वी हैव टू रीड द सेंटेंसेस, देन रीड द ऑप्शंस एंड देन टेक द राइट आंसर। बच्चों हमें क्या करना है, पहले सेंटेंसेस को रीड करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है और उनके ऑप्शंस को भी रीड करना है। उसके बाद हमें सही जवाब में क्या करना है, टिक मार्क लगाना है। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टिक द राइट आंसर। फर्स्ट वन द पोएट वॉन्ट्स टू बी अ कैटरपिलर, बटरफ्लाई, फ्लावर। तो बेटा पोएट को क्या बनना है, हमने पढ़ा था पोएट को क्या बनना है। यस, कैटरपिलर बनना है, बटरफ्लाई बनना है या फ्लावर बनना है, क्या बनना है, तितली बनना है, फूल बनना है, क्या बनना है। यस, द पोएट वॉन्ट्स टू बी अ, राइट आंसर कौन सा है, बटरफ्लाई। राइट आंसर इज बटरफ्लाई। क्या बनना है, तितली बनना है, क्या बनना है, तितली बनना है। सो टिक द राइट आंसर, द राइट आंसर इज बटरफ्लाई, राइट आंसर इज बटरफ्लाई। टिक इट, टिक करिए। फर्स्ट वन बटरफ्लाई, पोएट वॉन्ट्स टू बी अ बटरफ्लाई, क्या बनना है, तितली। नाउ द सेकेंड वन, पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, सेकेंड वन, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79। बेटा आप जब ये एक्सरसाइज करेंगे अपने टेक्स्ट बुक में तो इस तरफ CW और आज की डेट दे देना। गिव टूडेज डेट एंड राइट CW ओवर ईयर। नाउ कम टू द सेकेंड वन, अ बटरफ्लाई हैज़ टू बी अ ब्लैंक फर्स्ट, कैटरपिलर, बर्ड, फ्रॉग। तो बेटा मैंने आपको समझाया था कि बटरफ्लाई बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा। यस विल टेल, बटरफ्लाई बनने से पहले क्या बनना पड़ेगा हमने पढ़ा था। लुक एट दिस पिक्चर, ये क्या है बेटा, यस कैटरपिलर, कैटरपिलर। मैंने आपको हार्ड वर्ड भी दिया था लिखने, स्पेलिंग भी दी थी इसकी लिखने को। व्हाट इज दिस, कैटरपिलर। तो तितली बनने से पहले, बटरफ्लाई बनने से पहले क्या बनना पड़ता है, कैटरपिलर। दिस इज अ कैटरपिलर। So, which is the right answer? A butterfly has to be a caterpillar first. क्या आएगा, caterpillar, क्या आएगा, caterpillar. Tick it, caterpillar. Tick it, caterpillar. Caterpillar is the right answer. Now, the third one. A butterfly sits on flowers, chairs, books. So which is the right answer, can you tell me, right answer कौन सा है। तितली कहाँ बैठती है बेटा, किसके ऊपर बैठती है तितली, फूलों के ऊपर, चेयर के ऊपर या किताबों के ऊपर। यस बटरफ्लाई बैठती है बेटा फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स यानी कि फूलों के ऊपर। सो टेक द राइट आंसर, फ्लावर्स, टेक द राइट आंसर फ्लावर्स। आई एम रिपीटिंग इट, लिसन टू मी केयरफुली।
and tick the right answer. First one, the poet wants to be a butterfly. Tick it. Second, butterfly has to be a blank first. Butterfly has to be a caterpillar first. Third one, butterfly sits on flowers. Butterfly sits on flowers. So all of you complete today's exercise B in your textbook, page number 79. Give today's date and write CW. Complete today's work, exercise B.